प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया विद इन 24 आवर्स, उसी बारे में बुलाई गई है, जिसकी तफसीलात ऐसे हैं कि 7 सितंबर को पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा को एक खबर मौसूल हुई कि एक डेड बॉडी रघुनाथ टेम्पल बाज़ार में सस्पिशियस हालात में पड़ी हुई है। तो SHO PS बड़ी ब्राह्मणा ने एक अपनी टीम को डिप्यूट किया मौके पे और उसको डेड बॉडी को अपनी तहवील में लिया। तहवील में लेने के बाद ये आया हुआ कि ये एक सस्पिशियस मौत है, मशकूक मौत है, तो इसमें CRPC के तहत 174 की CRPC की प्रोसीडिंग शुरू की गई। तो उसके बाद इसका बॉडी का बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कराया गया क्योंकि काफ़ी मशकूक हालात में थी, खून आलूदा लाश थी। उसके बाद इंक्वायरी इसमें अमल में लाई गई। इंक्वायरी के दौरान ये आइडेंटिफिकेशन इसकी हुई एज रिंकू देवी, वाइफ ऑफ छतरवली सिंह, जो कि जहानाबाद बिहार की रहने वाली थी और अभी एट प्रेजेंट ये विलेज डोलियाँ बड़ी ब्राह्मणा में की रहने वाली थी। तो उसके बाद इसके हस्बैंड वगैरह को भी एग्जामिन किया गया और बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको भी एग्जामिन किया गया और बाकी सूत्रों से भी खबर मौसूल हुई कि इसको, इस लेडी को, डिसीज्ड को एक पूरन चंद अलियास बिट्टू सनफ केवल कृष्ण, जो कि बिश्ना का रहने वाला है लेकिन अभी तेली बस्ती में उसका वो रहता है, रिहाइश रखता है, वो इसको काफ़ी एंटाइज करता था, हरास करता था, सेक्सुअली वो सेक्सुअल फेवर्स मांगता था और फिजिकल असॉल्ट भी करता था और उसको माइल करने की कोशिश करता था कि ये अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ के उसके साथ रहे। तो उसका ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो ये खबर मिली कि इसी ने इसको वो किया है, कत्ल किया है। तो इसको हमने आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले को, इंफॉर्मेशन को और भी एविडेंस कुछ कलेक्ट किए, उसके बाद हमने इसमें एक फॉर्मल केस FIR अंडर FIR नंबर 194/2020 अंडर सेक्शन 302, 376, 506 IPC रजिस्टर किया और तुरंत जो है विद इन 24 आवर्स हमने उसको भी, व्यक्ति को भी जो एक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट किया। एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद उसको इंटरोगेशन हुआ डिटेल में और उसने कन्फेस किया कि उसी ने ये क्राइम किया है। वो चाहता था कि ये लेडी जो है, डिसीज लेडी, अपने उस हस्बैंड को छोड़ के उसके साथ आ जाए और उसको सेक्सुअल फेवर्स दे। तो उसी सिलसिले में उसने ये वारदात अंजाम दी और उस रात को, जिस रात की ये बात है, उसने उसको एंटाइस किया, उसको वहाँ पे अपने रेंटेड एकोमोडेशन में बुलाया, उसको शराब की लालच देके उसको शराब पिलाई और उसके बाद उसको बोला कि तू उसके पुराने हस्बैंड को छोड़ दे और तू मेरे साथ आ जाए। तो उसी चक्कर में फिर वो नहीं मानी लेडी, तो उसने उसको ब्रूटली सेक्सुअली भी असॉल्ट किया और फिजिकली भी असॉल्ट किया और उसके बाद उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उसकी वो लास्ट पे डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसने उसकी बॉडी को अपने कंधे पे उठाया और रात को ही डिस्पोज ऑफ किया और रघुनाथ टेंपल के पास वहाँ पे छोड़ दिया। और उसके बाद अपने उसको शर्ट को भी, जिस खून आलूदा शर्ट को भी उसने अपने घर कहीं बिश्ना में छुपा लिया। तो जब हमने इसको पकड़ा तो इसने वो डिस्क्लोज सारी चीज़ें की और इसी की इंडिकेशन पे हम बिश्ना गए और वहाँ से उसकी वो शर्ट को भी रिकवर किया और बाद में इसके घर की जो इसका जब जहाँ प्रेजेंट ये रिहाइश करता था तेली बस्ती में, उसकी भी सर्च वो हुई। वहाँ पे हमें वो खून के डब्बे मिले जिनको हमने एक्सपर्ट एग्जामिनेशन के लिए सीज किया वहाँ से और भेजा। तो ये सारी वारदात जो है इसी ने अंजाम दी। उसके बाद हमने इसको, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है।